नमस्कार दोस्तों, माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। षटतिला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन और व्रत किया जाता है। साल 2022 में ये एकादशी 28 जनवरी यानी के दिन शुक्रवार को पड़ रही है। कहते हैं कि भगवान विष्णु को ये तिथि बेहद प्रिय होती है, इसलिए श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए इस दिन उनके भक्त उनकी आराधना उपासना और व्रत करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप विष्णु के भक्त हैं और एकादशी तिथि पर व्रत या श्री हरि की आराधना करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि षटतिला एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त और व्रत विधि। तो आइए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार षटतिला एकादशी तिथि की शुरुआत 28 जनवरी शुक्रवार को प्रातःकाल 2:16 पर होगी। एकादशी तिथि का समापन 28 जनवरी की रात 11:35 पर होगा। ऐसे में षटतिला एकादशी का व्रत 28 जनवरी को ही रखा जाएगा। व्रत का पारण को किया जाएगा। पारण के लिए शुभ समय 29 जनवरी शनिवार को सुबह 7:11 से सुबह 9:20 के बीच रहेगा। अगर इस बीच संभव न हो तो आप चाहें तो दिन में किसी भी समय पारण कर सकते हैं, क्योंकि द्वादशी तिथि पूरे दिन रहेगी। और बता दें कि द्वादशी तिथि का समापन 29 जनवरी को रात 8:37 पर होगा। तो दोस्तों, ये तो था षटतिला एकादशी का शुभ मुहूर्त। अब आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस व्रत की पूर्ण विधि। इस व्रत को करने के लिए सुबह सफेद तिल का उपटन लगाकर या फिर पानी में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान आदि करके पूजा स्थल पर भगवान के सामने व्रत का संकल्प लें। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश को नमन करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक कर विधि विधान से पूजन करें। इस दिन भगवान श्री हरि को तिल से बने पकवान का भोग लगाएं और 5 मुट्ठी तिल लेकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। पूजा के दौरान भगवान को धूप दीप नवेद्य आदि अर्पित करें। तिल की आहुति दें, व्रत कथा पढ़ें या फिर सुनें। पूजा के बाद किसी प्रकार से हुई गलती के लिए भगवान से क्षमा मांगें। दूसरे दिन सुबह किसी ब्राह्मण को भोजन खिलाएं और भोजन में तिल से बनी किसी चीज को शामिल करें, फिर दक्षिणा और तिल का दान करें। इसके बाद ही व्रत खोलें। बता दें कि इस दिन तिल का दान करना उत्तम माना जाता है। व्रती को जल पीने की इच्छा हो तो जल में तिल मिलाकर पिएं। जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं वो तिल का उपयोग अवश्य करें। इस दिन तिल खाएं, तिल मिला हुआ पानी पिएं, तिल का उपटन लगाकर स्नान करें। तो दोस्तों, वीडियो में बताए गए नियम के अनुसार अगर आप व्रत कर लेते हैं तो आपको पूजा का पूरा फायदा मिलता है। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।